रुख करते अगली अहम खबर का। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर से नियमित सुनवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले राम मंदिर के निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद VHP ने तेवर खड़े कर लिए हैं। और इसी के मद्देनजर आज VHP से जुड़े देश के करीब 40 संत दिल्ली में बैठक कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। 2019 चुनाव से पहले राम मंदिर को लेकर हलचल तेज हो गई है। VHP ने जल्द मंदिर निर्माण की योजना के लिए आज बैठक बुलाई। वहीं श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि मोदी के सत्ता में आने से हिंदू समाज को राम मंदिर निर्माण की उम्मीद जागी थी, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। वही महंत नृत्य गोपाल दास की अगुवाई में कई संत दिल्ली आए हैं। वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास आमरण अनशन पर है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने अब परमहंस दास का समर्थन किया है। VHP के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि स्वामी परमहंस की मांग जायज है और पीएम नरेंद्र मोदी को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आना चाहिए। और चलिए दिल्ली से संवाददाता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, नियमित सुनवाई तो शुरू होनी है 29 तारीख से, लेकिन उससे पहले संतों की यह बैठक क्या संदेश दे रही है? देखिए, बिल्कुल जो नियमित सुनवाई होनी है उसको लेकर जो माहौल बनेगा राम मंदिर को लेकर वो देखने लायक होगा, लेकिन जो आज संतों की बैठक हो रही है वो अहम मानी जा रही है, क्योंकि संतों की बैठक जो हो रही है वो राम मंदिर को लेकर ही हुई है हो रही है। संतों का मानना है, कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है राम मंदिर, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है। भगवान सद्बुद्धि दे बीजेपी को, भगवान राम सद्बुद्धि देंगे बीजेपी को, इस तरह से संतों का कहना ये है। और आज गहन मंथन जो है वो हो रहा है और केंद्र सरकार से वो मांग भी करेंगे आज इसके बाद में कि वो कानून बनाए और राम मंदिर पर बात करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी छत्रपाल महाराज, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला है कि ये विश्व हिंदू परिषद जो मोहरा बना रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी मोहरा बना रही है संतों को, अगर इस तरह का माहौल होता, 4.5 साल हो गए हैं लेकिन राम जी को भूल रहे हैं, राम मंदिर को भूल रही है भाजपा, केवल स्टंट जो है उनका वो चुनावी मुद्दा रहता है राम मंदिर और उसके अलावा कुछ नहीं है। आशीष, चुनावी मुद्दा रहता है भाजपा का, और जिस तरह से उन्होंने एक बात कही कि जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उम्मीद जागी थी कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, क्या उन्हें अभी भरोसा है? जिस तरह से अब सुनवाई की तारीख हो गई, नियमित सुनवाई होगी कि 2019 से पहले निर्माण शुरू हो जाएगा, इसे लेकर कुछ कहा उन्होंने? देखिए, संत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब राम मंदिर की बात करती है बीजेपी तो राम मंदिर पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद इस बात को कह रहा है, RSS इस बात को कह रहा है, संत समाज इस बात को कह रहा है, तो अगर आखिर इंतजार किसका हो रहा है? केंद्र सरकार किसका इंतजार कर रही है ये सब करने के लिए? कानून बनाए और राम मंदिर बनाना शुरू कर दे, तो इसमें किसी के इंतजार की आवश्यकता नहीं है, सभी एकमत है और इंतजार है बस केवल केंद्र सरकार की हरी झंडी का। बिल्कुल, और ये बैठक कब तक खत्म होगी आशीष, क्योंकि आपने बताया अभी बैठक जारी है? ये बैठक शाम तक चलेगी, क्योंकि करीब 40 के लगभग जो है 35-40 के लगभग संत हैं, काफी दूर दूर से संत आए हुए हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं अयोध्या से, वो आए हुए हैं और एक गहन मंथन जो है वो चल रहा है केवल इसी बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी राम मंदिर की बात नहीं हो रही है, आखिर इसका क्या कारण? चलिए, शुक्रिया आशीष, आप बैठक पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिल्ली में एकत्रित हुए देश भर के करीब 40 संत जो इस पर चर्चा कर रहे हैं।